वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज मैं बनाने वाली हूँ कॉलीफ्लावर पिज़्ज़ा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी कि क्या क्या डालना है इसमें और कैसे बनाना है। तो अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गोभी का पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लोग एक पूरी गोभी ले लेंगे और उसको ग्रेट कर लेंगे या फूड प्रोसेसर में अच्छे से पीस लेंगे। अब जो गोभी ली थी हमने, ग्रेट की थी, उसको 4 मिनट्स तक माइक्रोवेव में गरम कर लेंगे और बीच बीच में एक एक मिनट में उसको निकाल के हिलाते रहेंगे। अब माइक्रोवेव में गरम करके उसको ठंडा करके उसके बाद उस एक किचन टॉवल में गोभी को रख के अच्छे से निचोड़ लेंगे, उसका पानी अच्छे से हटा देंगे। इसमें मैंने पानी हटा दिया है गोभी का सारा जो भी था मॉइस्चर, उसके बाद उसको किचन टिश्यूज़ पे रख दिया है। पिज़्ज़ा की सॉस बनाने के लिए ऑलिव ऑयल ले लेंगे पैन में और इसमें गार्लिक और ग्रीन चिलीज डाल देंगे। अब इसमें टमाटर का मेरे पास पेस्ट पड़ा था तो मैं डाल लूँगी। आप इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हो और इसको हिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें ओरिगानो लीव्स और सॉल्ट डाल लेंगे अपने टेस्ट के अनुसार। ये वाला मैंने एलमंड फ्लावर लिया है गोभी, जो ग्रेटेड गोभी है उसमें मिक्स करने के लिए। अब गोभी का मॉइस्चर जो है निकल चुका है, देखिए कैसे दिख रही है। अब गोभी में एलमंड फ्लावर मिला के उसका डो बना लेंगे हम लोग पिज़्ज़ा के लिए। देखिए ये डो बन के तैयार हो गया है। मैं ओवन को 425 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्री हीट कर लूँगी। बेकिंग ट्रे में अब पार्चमेंट पेपर लगा देंगे। जो मिक्सचर में तैयार किया था गोभी और एलमंड फ्लावर का, उसको बेकिंग ट्रे में अच्छे से हाथ से फैला लेंगे और इसको थोड़ा ध्यान से फैलाना है ताकि ये टूटे नहीं। इसको हल्के हल्के हाथ से दबा दबा के ऐसे फैला लेंगे हम। इसको ओवन में 425 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बेक कर लेंगे 15 मिनट्स तक।
अब देखिए 15 मिनट्स के बाद ऐसा दिखता है ये। अब इसके ऊपर टॉपिंग्स हम जो चाहें वो लगा सकते हैं। पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़ लगा लेंगे चारों तरफ। उसके बाद आपको जो भी वेजिटेबल्स लगानी है वो लगा सकते हैं आप। तो मैं पहले अनियन लगा रही हूँ। अब इसमें कैप्सिकम लगा लेंगे। मैं पार्मेसन चीज़ डाल लूँगी ऊपर से। मैंने 20 मिनट्स तक बेक किया टॉपिंग्स लगाने के बाद। देखिए अब तैयार है खाने के लिए।